दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम जो भी बताते हैं वो हमारी निजी रिसर्च के ऊपर आधारित होता है। आप जो भी करें स्वयं की जिम्मेदारी पर करें और खुद की निजी रिसर्च करने के बाद ही कुछ करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में, चैनल जो कि टोटली डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने और समझाने के लिए। आज की इस अपडेट में बात करेंगे बिटकॉइन और अल्ट कॉइन्स के प्राइस में 2021 में क्या हो सकता है, प्राइस आगे और इंक्रीज कर सकता है या यहाँ से एक टॉप बनाने के बाद प्राइस यहाँ से डिक्रीज कर सकता है। जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम उनको हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट्स मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पिछली अपडेट में आपने देखा होगा कि मैंने एक जो अपडेट की थी इसमें बेस्ट 3 क्रिप्टोकरेंसीज के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने लाइट क्वाइंस कार्डानो एक्सएलएम को कवर किया था, जिसमें से आपने देखा कि लाइट क्वाइन ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड और जो भी वहाँ पर लेवल मैंने दिया था वो ऑलमोस्ट वहाँ पर हिट हुआ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों आज की जो अपडेट है वो थोड़ा सा हटके है, यहाँ पर मैं बिटकॉइन के प्राइस को एनालिसिस नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस को एनालिसिस नहीं करूँगा, लेकिन वो एनालिसिस प्राइस की ही होगी। यहाँ पर मैं जो चार्ट लूँगा वो BTC के डोमिनेंस का लूँगा, दूसरा चार्ट मैं लूँगा ऑल्ट कॉइन्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन का, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल वे में मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन को नहीं समझ पाते हैं कि क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक तरीके का बाज़ार का पूंजीकरण, ठीक है। सिंपल वे में अगर बोलेंगे अब इसको कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, देखिए किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी होती है, टोटल सप्लाई नहीं, किसी भी कॉइन की तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी होती है उसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे उस कॉइन के मौजूदा प्राइस से, उससे जो फिगर आएगा तो वो उस क्रिप्टो करेंसी की या कॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उस कैपिटलाइजेशन का चार्ट यहाँ पर हमें tradingview.com पर मिलता है, तो उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं और जज कर सकते हैं मार्केट को पहले ही। तो सबसे पहले मैं BTC के डोमिनेंस का चार्ट यहाँ पर मैंने लिया, इसके बाद मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट लूँगा अल्ट कॉइन्स का। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप मत, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा मैंने वीकली चार्ट को यहाँ पर लिया, वह आप देख सकते हो ये BTC डोमिनेंस का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब मोटा मोटा यहाँ पर आप देखोगे तो इस पॉइंट से एकदम से डोमिनेंस नीचे आ गया और लगभग 35 तक आ गया। अब यहाँ पर कुछ लोग जो काफ़ी न्यू बिगनर्स हैं क्रिप्टोकरेंसी में, BTC का डोमिनेंस भी नहीं समझते हैं। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तो होती है होलसेल क्रिप्टोकरेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्लूड बिटकॉइन, एक होती है सिर्फ अल्ट कॉइन की कैपिटलाइजेशन जिसमें से बिटकॉइन बाहर होता है यानी एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है समथिंग में, यहाँ पर मैं फिगर नहीं बता रहा हूँ, कुछ बिलियन या मिलियन कुछ भी है, उसका कितने परसेंट किस कॉइन का कब्ज़ा है। तो यहाँ पर जो 35% का बना था, तो ये आप देख सकते हैं, तो 35% यानी कि उस वक्त की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसका 35% बिटकॉइन के हिस्से में था। अभी बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी दिख रही है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कितने परसेंट का बिटकॉइन का हिस्सा है वो यहाँ पर शो कर रहा है, 66.70% अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये रेट आप यहाँ पर प्राइस इससे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर इसको जज कर लेते हो आप पहले से। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा इसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अपने चार्ट के ऊपर इसको एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा, उस डेट में देखने की कोशिश करिएगा बैक चार्ट पर कि प्राइस में क्या मूवमेंट होते हैं अगर हम इसको एनालिस करते हैं, ठीक है। कि मैं कुछ लेवल्स को लगाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा लेवल्स नहीं लगाए, मैं चार्ट को कचरा ज़्यादा नहीं करता हूँ, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये तो एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये सब लोअर लो जितने भी हाई बन रहे थे पिछले हाई से ज़्यादा बन रहे थे और जितने भी लो भी बन रहे थे पिछले लो से ज़्यादा बन रहे थे। यहाँ पर ये हुआ कि ये लो कम बना फिर ये हाई इस हाई से ज़्यादा बना, यहाँ पर ये लो कम बना ये हाई इससे ज़्यादा बना। तो ये जो ये मामला दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ये जो BTC का डोमिनेंस का चार्ट है ये अपना ट्रेंड चेंज कर दिया इसने। अब इसके बाद इस पॉइंट से लगभग 73 जब मार्केट कैपिटलाइजेशन BTC का डोमिनेंस चला गया था तो वहाँ से देखो एक गिरावट आई थी, इसमें गिरावट के बाद इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा प्राइस में भी स्पाइक मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इस तरह से ये ऊपर चला था इस तरह का मामला इसने बनाया था, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ये रिटेस्ट किया ये ऊपर गया, तो आपने देखा होगा प्राइस में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 अप्रैल 2019, तो ये वही वक्त था जब बिटकॉइन का प्राइस सडन डंप हुआ था 3800 तक और उसके बाद प्राइस ने एक रैली मारी थी, फिर प्राइस साइडवेज हो गया था इस तरह से। अब प्राइस ने भी प्रेजेंट में कुछ रैली अभी मारी है जो आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस क्या है, अगर यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर बात करेंगे वीकली पर, तो ये आप देख सकते हो कि 2 ट्रेंड लाइन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है।
अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर इसके सामने एक रेजिस्टेंस है, ये देख सकते हो 7.33 का। इसको तोड़ेगा तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा। लेकिन देखो, अब पहले मामला ये था कि बिटकॉइन और कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज थी तो काफ़ी बड़ी कैपिटलाइजेशन रखता था बिटकॉइन, अभी भी रखता है, लेकिन अब धीरे धीरे परसेंटेज थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है और अल्ट कॉइन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया वीकली, अब यहाँ से हम चलते हैं डेली। तो ये ट्रेंड लाइन का कलर वगैरह याद रखना। देखो अभी जो इस पॉइंट से एक डबल बॉटम बनाने के बाद ये स्पाइक मिला, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और इस तरह से इस तारीख को आप देखोगे तो सितंबर के बाद से ही मार्केट में एक तेज़ी नज़र आपको आ रही है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल चार्ट अपने आप को, अगर आप इसको एनालाइज करते हो उसके बाद अगर वहाँ पर ट्रेड वगैरह लेते हो तो काफ़ी अच्छे से रिजल्ट आपके सामने आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर डाइवर्जन बना, तो पर इतना ज़्यादा ये डोमिनेंस नीचे आई, साथ साथ बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे आया था। बैक चार्ट पर जाके टेस्ट कर लेना, एकदम से ये स्पाइक जो आया है तो यहाँ पर ये देखो डोमिनेंस बढ़ा तो बिटकॉइन का प्राइस भी उधर बढ़ा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जो ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है बिटकॉइन के, देख लो ट्रायंगल पैटर्न जो इस तरह का बना हुआ है इसके अंदर ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, तोड़ेगा तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर नहीं तोड़ता है तो ये वापस इसके अंदर ही मूव करेगा। अब चलो चलते हैं 4 आवर्स पर। तो 4 आवर्स पर दोस्तों एक डाइवर्जन यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखो कुछ इस तरह से, ये देखो ये डाइवर्जन एक इस तरह से। तो कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेयरिश नहीं बता रहा हूँ बिटकॉइन को। बिटकॉइन ऑफ कोर्स बुलिश है, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकती है। अगर ज़्यादा रिट्रेसमेंट करती है तो ये जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है जिस पर चल रहा है प्राइस, जो डोमिनेंस का प्राइस, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप देखिएगा कि बिटकॉइन जब यहाँ, जब ये डोमिनेंस यहाँ से पुल बैक अगर लेती है, अगर जैसे यहाँ तक आता है, बाकी तो बीच में कहीं पर भी आ सकता है, इसको भी अभी ब्रेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके का ट्रेंड में डाइवर्जन बनते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो काम करें, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस है तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास इसने डाइवर्जन बनाया है, तो यहाँ पर हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। तो अगर इसको तोड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, और BTC के पेयर में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो डंप हो सकते हैं। USDT के पेयर में जितने ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो राइज करेंगे बिटकॉइन के साथ ही, लेकिन BTC के पेयर में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो डंप होंगे तो चलिए यहाँ पर समय नहीं गवाते हैं और यहाँ से चलते चलते आपको दिखा देते हैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्ट आपके सामने है ये वीकली चार्ट है, ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट है, यानी अल्ट कॉइन्स का। इसमें जो बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ अल्ट कॉइन्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब से अल्ट कॉइन्स स्टार्ट हुए हैं तो उसके बाद से ये राइस ही कर रहा है। अभी ये थोड़ा सा एक इस तरीके की रेंज में चल रहा है आपके सामने, तो ये भी रेंज काफ़ी बड़ी है, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पर जल्दी से कुछ लेवल्स लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये लेवल्स वगैरह यहाँ पर लग गए हैं, तो ये जो पीछे की ये जो एक इस तरह का रन था इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक आने के बाद कुछ इस तरह से गिरावट हुई थी, फिर थोड़ा सा ऊपर चला, फिर इस तरह से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रिपल बॉटम लगाने के बाद प्राइस एक रेंज में चला गया है। प्राइस यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसका फिगर है $217 बिलियन, काफ़ी एक बड़ी मार्केट कैपिटल है। और इसको हम चलते हैं डेली चार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीकली चार्ट पर हॉरिजॉन्टल लेवल समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेवल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और तीसरे लेवल पर रजिस्टर कर रहा है इस वक्त टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो एक बहुत ही बड़ी ऊपर रेंज तक जा सकता है, लगभग 460 यानी $460 बिलियन तक। अभी जो ये लेवल है ये 244 का है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट कंडीशन में है वो ये है कि $217 बिलियन पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ समझ लो कि करना क्या है, देखो डेली चार्ट पर इस तरह से आप देखोगे तो एक एम पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, अब बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया पर। देखो ये जो चैनल है इस तरीके के चैनल का भी ये रेजिस्टेंस एरिया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये जो ये दिख रहा है इस पर भी ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके देखो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो RSI को यहाँ पर प्लॉट करते हैं तो सिंपल सा एक डाइवर्जन आपको फॉर्म होता दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स डिक्रीज हो जाते हैं, कुछ को लगता है कि बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ते हैं, तो वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि सिंपल सा है, देखो BTC के पेयर में जो ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करोगे तो BTC का प्राइस बढ़ने पर वो ऑल्ट कॉइन्स डाउन आते हैं, BTC का प्राइस घटने पर वो ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज होते हैं BTC के पेयर में। लेकिन जब उन्हीं ऑल्ट कॉइन्स को आप USDT के पेयर में ट्रेड करते हो तो वो बिटकॉइन के साथ ही रन करते हैं।
तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टॉप लग रहा है, ठीक है। देखो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये जो बीच में एक डॉटेड लाइन दिख रही है, अगर इसको तोड़ता है प्राइस तो तोड़ के इस बॉटम तक आ सकता है, आने के बाद इस तरह से जब पुल बैक लेगा तो ऑल्ट कॉइंस के में राइज आएगा ज़बरदस्त तरीके से यूएसडीटी के पेयर में, अच्छे समझ लो। देखो यहाँ पर जब ये बिल्कुल बॉटम पे चली गई थी आरएसआई, तो यहाँ पर देखो इसने कंसोलिडेट करने के बाद कुछ इस तरह का एक चैनल बनाया था यहाँ पर, और उसका ब्रेकआउट मिला था, काफ़ी अच्छे से प्राइस राइज हुआ था। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने की शुरुआत में एकदम से ऑल्ट कॉइंस में तेज़ी आई थी, बिटकॉइन के प्राइस में भी तेज़ी आई थी, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी। इसको यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अभी डिमांड भी आ रही थी काफ़ी लोगों की कि डोमिनेंस बीटीसी डोमिनेंस पर वीडियो बनाया जाए, कॉइंस को किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जज करेंगे उसके प्राइस को, उस पर वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने अपनी समझ से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। देखो ये वीडियो आपके थोड़ा सा बाउंस कर सकता है आपके दिमाग से, हो सकता है काफ़ी जो बिगनर है उनके समझ में ही ना आए ये चीज़, लेकिन बार बार देख लेना वीडियो को, काफ़ी काम का है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, और इस तरीके से आप देखोगे। देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों को समझ में ऑल्ट में एंट्री लें ना लें, तो भाई ऑल्ट यहाँ पर डबल टॉप लगा रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। इस तरीके से डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, रिट्रेस कर लें दो, गिरावट नहीं होगी, रिट्रेस कर लें दो, रिट्रेस हो जाता है और उसके बाद बॉटम में हमें मिलता है जब मामला कुछ इस तरह का, तो वहाँ कहीं पर एंट्री बनाएंगे, अच्छा प्रॉफिट लेंगे, सिंपल है। तो चलो दोस्तों इजाज़त दो, उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट काफ़ी अलग हटके है और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आई होगी, काफ़ी सिंपल करके समझाने की कोशिश की है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करो क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में आने के लिए या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो नौजवान लोग हैं उनके लिए ये फ्यूचर साबित हो सकता है, एक वरदान साबित हो सकता है। तो चलो मुझको इजाज़त दो, चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।